हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ सोल स्टॉर्म। सो लास्ट एपिसोड में जो ब्लिम शिप का नाम था मुलॉक के, उससे हम बच के निकले थे। सो वो एक ऐसा लेवल था जिसमें शिप कंटिन्यूसली हमें ट्रैक कर रही थी, लेज़र अटैक एंड कुछ ग्रेनेड्स सब हवा से आ रहे थे, तो थोड़ा सा टफ लेवल टाइप का था। बट हम फाइनली उससे बच के निकल चुके हैं एंड हम फैट स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हमें एक ट्रेन हाईजैक करना है। सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अभी ये लेवल में क्या। ओके, लेवल का नाम है द फनीकुलर। फनीकुलर अजीब सा नाम है थोड़ा, बट ओके। यही ये रही वो शिप जिसका नाम है ब्लिम्प, BLIMP। पता नहीं क्यों नाम है ये, इससे पहले वाले गेम में था क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। थोड़ा ध्यान से देखो तो हमारे मेन विलन की तरह ही दिखता है ये शिप सामने से। बट या पीछा छूट गया इनसे, वो अच्छी बात है। काफ़ी अनोइंग था ये, कंटिन्यूसली कोई आप पे फायर कर रहा है, लेजर से ट्रैक कर रहा है। ओके, ये रहे हम। यू हैव अराइव्ड इन अ रिलेटिव सेफ्टी ऑफ सोरो वैली, बट योर पाथ इज ब्लॉक्ड बाय रिमेनेंस ऑफ द रिकेटी ओल्ड माइनिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, you need to make your way through the valley to continue. There are signs of other mudokans in the area to see what you can do to help them. अच्छा, तो इधर हम पे वो शिप हमला नहीं करेंगी, लेकिन वही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा रास्ता बनाते हुए। इधर क्या लिखा है, वही लिखा हुआ है सेम। तो हमें दूसरे मुडोकन्स मिले तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा। यहाँ से दिख रहे हैं कुछ, वो देखो ऑरेंज हेलमेट पहन के। शिट, मुझे लगा गिरा मैं। वर्कर्स वायर्ड वायरिंग किट मिली है, मे भी कुछ यूज आएंगे इसके सामने। इसके अंदर भी वायर होगा, बॉटल। नाइस, हमारे पास क्या क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। पानी की दो बॉटल है और कुछ वायर्स है। ओके, अच्छा ये शायद लॉक्ड है डोर, हमें मे बी की या कुछ लेके आना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इनके ट्रेलर में देखा था हम इसके अंदर छुप सकते हैं, तो मुझे पता नहीं कि हम छुपेंगे किससे। ओ, एक बॉटल था वो भी फेंक दिया। कोई आइडिया नहीं छुपेंगे किससे, बट या इन सब के अंदर हम छुप सकते हैं। ये रहा, ओके नाइस, समझ में आ गया। अच्छा, मुझे पता नहीं इंटरेक्ट वाला सेम बटन इन्होंने क्यों रखा है छुपने के लिए। अगर मैं ई होल्ड या टैप करता हूँ तो वो छुप जाता है, समथिंग लाइक दैट है। अच्छा, अभी ऐसे ऊपर कैसे आना है। ओके, ओह, चेक पॉइंट, नया चेक पॉइंट था। I got here early yesterday, before Boar started showing up and getting sick. It hurt so bad. The first night we escaped, we was dizzy, delusional, so hungry. Somehow I started chewing parables that grow in the dark mine shafts. But the parables, they made me feel better. I tried to tell them, but they wouldn't eat any. And they didn't live as long. Whatever the remedy, parables must surely be a part of it. Abe,
You can... You must solve the rest of it and craft the antidote to heal us before it's too late. अच्छा तो यहाँ पे किसी टाइप की डिजीज फैली हुई है एंड कुछ पैरामोल्ड करके कोई प्लांट है जो माइंस के अंदर मिलती है इसको हील कर सकते अच्छा अभी हमारे पास है नहीं तो वो यूज करके हम एंटीडोट बना सकते हैं ये चेक पॉइंट है नया चेक पॉइंट है मतलब नए स्टाइल का चेक पॉइंट अभी तक पिछले लेवल तक अलग था ओके उधर आगे एक और बंदा सोया पड़ा है फाइंड अ वे टू फैट स्टेशन कलेक्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स टू क्राफ्ट एंटीडोट कलेक्ट द फर्स्ट क्रिएट द फर्स्ट एंटीडोट ओके एक और पड़ा इधर There's someone here knows why we're sick. They say he's almost got a cure. All I know is he was from the brewery, Soulstorm Brewery. He knows things. Okay, तो ये कौन सा बंदा है इसको ढूंढना पड़ेगा कोई तो बंदा इधर है जो बोल रहे उसे क्योर पता है देखते हो कौन है ये भी पड़ा हुआ है इधर सिक है ये भी you felt better. They say the old ones found strong medicines growing in deep, dark places. No doubt these old mine shafts hold some molds or mosses that could help us. Okay. ये भी वही मोसेस के बारे में बोल रहा है। I think तो ये antidote बनाना may be optional होगा। ये मुझे लग रहा आगे जाने का रास्ता है। इधर क्या है? Work whistle. Give it a toot and let this mudokans know you want him to go to work. Okay. अभी काम करने जैसा तो कोई है भी नहीं इधर सबकी हालत खराब हुई पड़ी है Insufficient mudokans to execute the job. You need 7 nearby. Okay. तो हमें सात लोगों को ठीक करना पड़ेगा अच्छा तो ऑप्शनल नहीं है मुझे लगा ऑप्शनल होगा एंटीडोट बनाना बट ना Checkpoint, okay. Mudokans do not see so well in the dark. Spark up a flare and shed some light on the... Flare to mere paas hai nahi, I think. You can also throw a flare if you want to make sure those dark corners aren't too deadly, okay. To abhi andhere mein, iske andar hoga flare pakka. Yeah, nice. Yeah, okay. E tap karne se hum jaake chup jaate hai. एंड ये होल्ड करने से वो ढूंढता है चीज़ें मून ग्रास इज अ नेचुरल मोशन एक्टिवेटेड नाइट लाइट अच्छा सेंसर टाइप का है मतलब जैसे कुछ मोशन एक्टिवेट होता है जल जाता ही है नोन थ्रू आउट द ओल्ड वर्ल्ड फॉर इट्स मेडिकल क्वालिटीज ओके तो शायद ये अपनी रेसिपी में काम आए अभी हमारे पास क्या क्या 3 फ्लेयर और 1 बॉटल अच्छा चांटिंग करके स्काउट कर सकते हैं दैट्स नाइस वो मैं सोच ही रहा था उसके बारे में एरिया क्लियर दिख रहा है चलते हैं नीचे ओके बढ़िया ओके नाइस यहाँ तक तो सब कुछ सेफ है चेक पॉइंट है नीचे बढ़िया नाइस तो आई थिंक ये वो प्लांट्स है या पैरामोल्ड अ पंजेंट ग्रोथ दैट कुड बी यूज प्रूव यूजफुल फॉर हीलिंग यस ये तो चाहिए था हमें ओके उधर नीचे एक रास्ता था वो चेकआउट करने की क्या है अच्छा लूट है लूट के आते हैं जाके ओ बैटरी यूजफुल फॉर पावरिंग थिंग्स अप नाइस मैं ये सोच रहा हूँ जो मैंने चीजें उठाई है रैंडम वो सब कैसे दिखेंगी मुझे Too much, Herbert.
Better be a trade app. The others will be waiting at the old trellis. How much further can Fab Station be? अच्छा ये इन्होंने 1, 2, 3, 4 पे चार डायलॉग बटन दिए आई एम नॉट श्योर कि उसका यूज़ क्या है ये देखो आप देख सकते हो मे बी दूसरों से बात करने के काम है नो आइडिया एक बार आगे देख लेते कि कुछ या सेफ है आगे नाइस फाइंड फैटोलाइन इन द माइंड टू गेट दिस रनिंग ओके कुछ तो चाहिए इसको रन करने के लिए Lift no power, turn on a nearby generator too. अच्छा तो यहाँ पे जाने का तो सवाल नहीं उठता Obviously इधर नहीं जा सकते यहाँ पे ऊपर रास्ता है क्या एक बार चेक करना पड़ेगा ये सीक्रेट है सीक्रेट उठा लेते हैं पहले फिर देखते हैं कि किधर जाना है नाइस ओह नाइस डू योर जनरेटर्स नीड एन एक्स्ट्रा बूस्ट यूज फेडरल लाइन बिकॉज सस्टेनेबल इजंट अटेनेबल अच्छा इसके लिए पहले जनरेटर ढूंढना पड़ेगा ना ओके वहां पे तो डेथ है अगर गिरे तो Turn on a nearby generator to use. Okay. ये है क्या generator? Fatalign. हाँ okay बढ़िया बस तब हम ऊपर जा सकते तो ऊपर से जो Fatalign जो भी मिला था बॉक्स हमें वही हमने नीचे जाके बेसिकली कुछ उसका फ्यूल था वो भर दिया हमें और पैरामोल्ड मिले दैट्स नाइस And एक से चेक पॉइंट यूज द फ्लेयर्स टू लाइट द डार्कनेस मोडोकेंस डू नॉट सी वेल अच्छा सेम अच्छा ओ शिट हम घूम के सेम आ गए क्या या 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 मुझे लग रहा है इस पे क्या लिखा है उसका हाँ हम ऑलमोस्ट वो 360 घूम के आ गए तो बस यहाँ से हमें वो प्लांट्स ही कलेक्ट करने थे बाहर चलते You need an antidote to heal the sick Mudokans. Healing किसको बताए? इसको बताए क्या? Hello. I don't know. हम यहाँ से आगे जा सकते हैं. That's nice. तो ऊपर भी जा सकते हैं क्या? एक बार चेक करना पड़ेगा. ऊपर जो एक डोर बंद था. क्योंकि हमने वो जनरेटर ऑन कर दिया है, तो अभी हम सारे डोर्स खोल सकते हैं. नहीं इसके लिए मुडोकेंस लगेंगे तो ये वाला डोर अभी नहीं खुलेगा एंड नीचे भी कुछ नहीं है तो यही पे जाना है ये इधर एक और सोया पड़ा है But it wasn't long before we heard horrible screams and the screeches of leeches. Then it was silence, and none that went in came out. Fleeches are terrifying things, but their droppings have cured many ills. Some fleech guano might help us, though. But who would be brave enough to find some? अच्छा, तो दूसरा ingredient है fleech dropping. Dropping से मुझे लग रहा है ये poop की बात कर रहे होंगे, टट्टी की बात. तो कोई जानवर है जो mines के अंदर रहते हैं, and वो काफी खतरनाक से है, लेकिन उनका poop चाहिए हमें ताकि हम एंटीडोट बना सके काफी वियर्ड इंग्रेडिएंट है बट ओके लेफ्ट नो पावर टर्न ऑन अ नियर बाय जनरेटर टू यूज अच्छा तो माइन के अंदर होगा जनरेटर ऑब्वियसली
अभी तक हमें कितना मिले? 1, 2, 3, आई थिंक 4 मुडोकेंस मिला है, टोटल 7 चाहिए हमें वो एक गेट एक्टिवेट करने के लिए। ओके नाइस। ओ ये क्या है? अच्छा यही है लीचेस आई थिंक। वो सोए हुए हैं तो बिना आवाज करे उठते हैं। अच्छा इनको आई थिंक हम ये नहीं कर सकते। यहाँ पे पढ़ा है कि इनका पूप नहीं है, इनका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आई थिंक ये जंगली जानवर है, मे बी इसलिए। ओ ये क्या है? अच्छा ये तो मून ग्रास है। सोलो उठ के ना आए। आई थिंक इट्स सेफ हियर। ओके नाइस। ओह शिट, यहाँ पे डेथ ट्रैप। आई थिंक हमें एक फ्लेयर यूज कर लेना चाहिए। अरे एक फेंक दिया फालतू में। ओह नाइस चेक पॉइंट। ओके बढ़िया। बच गए बार बार। ओह क्राफ्टिंग, ये अभी पहली बार आया है। कंबाइन स्टफ फॉर बेटर स्टफ। ओके बढ़िया लाइन थी। वाइल स्कैवेंजिंग लूट थ्रू आउट द ऑड न्यू क्राफ्टिंग रेसिपीज अनलॉक। मैं इसी की बात कर रहा था पहले एपिसोड में, बताया क्राफ्टिंग काफ़ी सारे इसमें। कंबाइन स्टफ टू फाइंड न्यू वेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ओके तो अच्छा स्टन माइन क्राफ्ट करने के लिए एक बैटरी, एक वायरिंग किट और कुछ एक और चीज़ चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और किसकी रेसिपी है? और कोई रेसिपी अनलॉक नहीं है। मैं अभी हम जैसे से अगर हमने सारे इंग्रेडिएंट्स, या तो हमें इंग्रेडिएंट्स लेना है या फिर डायरेक्टली वो आइटम अगर हम उठाएंगे तो लिख के आएंगे। ये जो है ये मुझे लग रहा है हमारा एंटीडोट की रेसिपी होंगी। तो दो चीज़ है, मूनग्रास और पैरामोल्ड मिल गया, बाकी तीन चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी क्या है। ओके फॉलोवर्स इक्यूबेब्स फॉलोवर्स विथ क्राफ्टेड आइटम्स एंड वॉच देम हेल्प और ट्राई टू हेल्प। अच्छा हमारे पीछे पीछे अभी तक ये चालू हुआ नहीं है, लेकिन आगे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स हमें फॉलो करेंगे तो हम उन्हें भी क्राफ्टेड आइटम्स दे सकते हैं आई थिंक। या दैट्स नाइस। गिव आइटम टेक आइटम, या ये जो है ना ये जो स्विचेस इन्होंने बताए कंट्रोल्स, ये कंट्रोलर के ऊपर है तो ये जानने में थोड़ी दिक्कत होती है कि ये ये रहा। ओके ऐसे गिव है, गिव आइटम टेक आइटम। एग्रो पैसिव ये क्या है? ओह काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं है। एग्रो पैसिव, ये शायद हमारा मीटर है कि हम एग्रो जा रहे कि पैसिव जा रहे। ओके नेवर माइंड चलते हैं। लेट्स होप कि ये कुत्ते शांत हो जाए। या शांत हो गए आई थिंक। नहीं हो गए फाइनली। एक और कुत्ता हो गया इधर। ओके हु एक और चेक पॉइंट नाइस। अब सवाल यह है कि ऐसे जाना किधर है हमें? पेट्रोलाइन जनरेटर फाइंड। अच्छा इससे इससे वो चालू हो जाएगा। दैट्स नाइस।
या चलो क्लियर रास्ता है। A good moss, a stubborn moss that laughs in the face of the rolling stone. Legends has it this is the key ingredient for healing solution. Oh, nice. अच्छा हमें तीन ingredients मिल गए antidote के लिए, बढ़िया। Ooh. Okay. बच गए। तो मुझे लग रहा है हाँ आया, ये elevator चालू हो गया। ऊपर जाना है हमें। ओ ओ ओ भागो, बच गए। यस दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कोई ट्रैप मैंने देखा, इससे पहले कभी ट्रैप्स नहीं आए थे ऐसे। टिन कैन, अ कैन मेड ऑफ टिन प्रोबेबली वंस कंटेन्ड द फाइनेस्ट ग्रिसल। ग्रिसल क्या होता है इन ऑल ओल्ड वर्ल्ड, ऑड वर्ल्ड, मैं ऑड वर्ल्ड को कभी कभी ओल्ड वर्ल्ड बोल देता हूँ। ये टिन कैन किसके काम आएगा? तो ये ब्रू बॉटल काफी सारी चीजों में है, क्राफ्टिंग आइटम्स में। या टेप दिख रहा है एक चीज में। ओके छोड़ो, जब जब अनलॉक होगा तब देखेंगे। ओ एक और मिला, इसको क्या हुआ? And then I got bit by a needle bat last night. Crazy as it sounds, I swear that bite took most of my pain away for a while. If only one could bite me again. तो मीटल बैट का टूथ लगेगा मे बी एंटीडोट में, क्या पता। उसने बोला कि कल जब वो माइन में काम कर रहा था, एक मीटल बैट ने उसे काटा एंड उसके उसका पेन कम हो गया था, तो प्रॉबेबली एंटीडोट का अगला ये होगा वो। ओके इधर अंदर तो जा ही सकते, नीचे क्या है? ओके नीचे एक और रास्ता है, पहले ऊपर वाले पे चलते हैं एंड फिर देखते हैं। क्या फुल है? फ्लेयर्स होगा वो फुल है मेरा। पैटोलिन चाहिए वापस। एक कुत्ता, ओके इसके शांत होने का वेट करना पड़ेगा। सो गया क्या? या नाइस, आराम से स्लो एंड स्टडी। आपने एक चीज नोटिस की, जो मून ग्रास है जो टेक्निकली एक काइंड ऑफ मोशन सेंसर है, वो अगर मैं स्नीक करके जाता हूं तो जलता नहीं है। ओह शिट, जा सकते हैं क्या नीचे से? या बढ़िया, आई थिंक दूसरे वाले पे जंप करना है, नॉट श्योर। करना गया है सेकेंड इस पे, उधर मुझे लग रहा है चांट करके चेक करना पड़ेगा एक बार कि एक्चुअल में करना है क्या उधर। कि ऊपर जाना है क्या? या ऊपर जाना था, लॉल।
इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अंधेरे की वजह से हो रहा है ये सब। स्लीच गुआनो, अच्छा ये पूप है शायद इनका। एज इफ स्लीचर्स देमसेल्स वेर बैड इनफ, यू नाउ हैव दिस क्रैप टू कंटेंड विद, स्टिल कुड प्रूव मेडिसिनल। ओके, आई थिंक हमें चार इंग्रेडिएंट या चार इंग्रेडिएंट, एक फाइनल वही बैट बैट ही बचा है आई थिंक, बैट का जो भी है। Nice, एक और चेक पॉइंट। ट्रैप, आगे जाने का रास्ता। ओके, तो उधर वापस थोड़े से कुत्ते, कुत्ते नहीं बोल सकते उन्हें, लेकिन जो भी है वो भौंकते तो कुत्ते जैसे ही है इसलिए। मुझे तो कूदना नहीं चाहिए था, गलती से दब गया। अच्छा, ऊपर हमें गैसोलीन मिलेंगी इतना मैं श्योर हूँ। उधर जाना कैसे अब सवाल ये है। मुझे एक बार चांट करके देखना पड़ेंगे, कुत्ते उठ जाएंगे बट वापस सो भी जाएंगे। डबल जंप मे बी। डबल जंप से तो हो नहीं रहा। या फिर डबल जंप करके पकड़ लेगा क्या? ओह नाइस, बढ़िया। इधर वो डबल जंप है पहले इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अगर वो डबल जंप लेज पे पकड़ा नहीं और गलती से मैं वापस नीचे गिरा तो पक्का कुत्ते उड़ जाएंगे। ओके, अरे लगा लगा क्यों नहीं रहा ये? हेलो, है तो फैटोलिन, ये लगा क्यों नहीं रहा है? ग्लिच है क्या कुछ? अच्छा, तो मैं काफी टाइम से ये जो जनरेटर है ये स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा था बट एक्चुअल में ये नहीं है जनरेटर बटन, जनरेटर बटन कोई और है थोड़ा पीछे की तरफ, हमें वो जाके स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं जस्ट वापस इधर आया हूँ रिकॉर्ड करने के लिए कि बताने के लिए कि ये जनरेटर बटन है नहीं। मैंने आराम से 10-15 मिनट इधर वेस्ट किया है। अगर आप खेलो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जनरेटर बटन जो पीछे की तरफ आपका नॉर्मली ये होता है स्पॉन नहीं, जैसे आप डंजन में घुसे, डंजन या माइंस, डंजन्स नहीं, ये माइन में जहाँ पे आप घुसे तो उसी के आसपास एक ये होता है जनरेटर बटन, एंड उधर ही आपको फैटोलाइन लगाना है। तो बस हम अभी उधर ही जा रहे हैं।
वो रहा, वो जो ग्लो कर रहा है ना, वो है जनरेटर बटन। ओके बढ़िया। ओ शिट, नहीं ऊपर ऊपर। आई थिंक हम उस पर टाइमिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। अच्छा अरे यार वहां का चेक पॉइंट ले लेना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा नहीं था कि जनरेटर एक्टिवेट करने के बाद ऐसे कुछ ट्रैप्स खुल जाएंगे। चेक पॉइंट हमें मिल गया। आई थिंक टाइमिंग करना है, उसके ऊपर चढ़ना रहेगा। लेट्स ट्राई वंस। या बढ़िया, ओह शिट। नहीं, द टाइमिंग। उतर, मैं वहां पे भाग के भी नहीं जा सकता, वो कुत्ते उड़ जाएंगे अगर मैं भाग के गया ना। इनके जाने का वेट करते हैं। ओके बच गए। अब ये बटन वर्क करेगा, क्योंकि ये एक बटन था सिर्फ, जनरेटर बटन नहीं था। या नाइस। नाइस फाइनली। एक्चुअली वो जो नीचे जो बटन था ना, उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ, कम से कम 10-15 मिनट लगे, क्योंकि आई थॉट कि दैट वाज द जनरेटर बटन, बट वहाँ पे फैटोलाइन वो जो फ्यूल था वो लग नहीं रहा था। फिर मुझे लगा गेम ग्लिच हो गया कि क्या है, फिर या काफी थोड़ा सा ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि हमें पीछे जाके वो जनरेटर वहाँ पे ऑन करना है, फिर ये बटन आके दबाना है। तो दैट वॉज इट। ओके हमें नया इंग्रेडिएंट क्या मिला देखते हैं। Either someone has actively milled this or it just drips naturally from the fangs of the meat bat. अच्छा ये final ingredient है। Neither option is much fun to think about. Can be used to combat illness. Okay, nice. एक बार देखते यहाँ से exit है क्या? Exit, या यहाँ से exit है तो हम episode इधर ही wrap up कर दे, क्योंकि हमें सारी ingredients मिल गए antidote के। एक second देख लेते एक बार। या सारे एंटीडोट के इंग्रेडिएंट्स मिल गए, तो हम क्राफ्ट करके नेक्स्ट एपिसोड में यही से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए एपिसोड इधर ही रैप अप कर देते हैं। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, कंटेंट अच्छा लग रहा तो चैनल को सब कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।